एमएनएस न्यूज हिंदी लाइव में मैं किरण आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। बिना पहचान के नहीं मिलेगा पावर प्लांट में रोजगार, आर्य समाज की जमीन पर अवैध कब्जा। अमित शाह बोले मंदिर को बर्बाद कर रही है सीपीएम सरकार। कोराडी स्थित पावर प्लांट में युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिलता? क्या जरूरी है हर कोई मंत्रियों का सहारा ले? मंत्रियों के सहारे से वहाँ रोजगार आसानी से मिल जाता है, मगर हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती। क्यों इतनी बड़ी कंपनी युवाओं को उनके उच्च शिक्षा स्तर पर रोजगार नहीं देती? क्यों हमेशा पॉलिटिशियन के सहायता से ही कई युवाओं को आसानी से रोजगार मिलता है? इसीलिए बेरोजगारी की संख्या आसमान को छू रही है। अमित शाह बोले मंदिर को बर्बाद कर रही है सीपीएम सरकार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सबरीमाला मंदिर में प्रवेश को लेकर श्रद्धाओं का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वामपंथी सरकार प्रदर्शनों को ताकत के बल पर दबाना चाहती है। आर्य समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 11वें वैश्विक आर्य समाज सम्मेलन में कहा कि राज्य में आर्य समाज के संपत्तियों पर कब्जा करने वाले भूमाफिया पर सख्त कार्रवाई होगी। एमएनएस न्यूज में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।